देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ महक। भाजपा कांग्रेस में नगर पालिका नीमच के 40 वार्डों की स्थिति साफ होने के बाद अब मतदाता के सामने उम्मीदवारों की कठिन परीक्षा है। बात करें तो वार्ड नंबर 16 में नीतू नरेला और नजमा बी में जबरदस्त मुकाबला देखने को मिल सकता है। इसी को लेकर देखे हमारी खास रिपोर्ट। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव की घोषणा और तारीखों के ऐलान के साथ ही राजनीतिक पार्टियां सक्रिय हो गई थी। भाजपा कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी ने भी शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में नगरीय निकाय चुनाव में अपने अपने प्रत्याशियों को उतार दिया है। नगरपालिका नीमच सहित सभी नगर परिषदों में प्रत्याशियों का चेहरा स्पष्ट हो गया है। अब मतदाताओं की कठिन परीक्षा का दौर भी शुरू हो गया है। मतदाता ही अपने अपने वार्ड के लिए सच्चे और ईमानदार छवि के प्रत्याशी का चयन करेंगे। पूर्व में नगरपालिका परिषद में भाजपा का बोर्ड था, राकेश जैन पप्पू के हाथ में अध्यक्ष की कमान थी। पुराने परिषद के कार्यकाल को देखते हुए इस बार दोनों ही पार्टी ने अपने अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। नगरपालिका के वार्ड नंबर 16 से भारतीय जनता पार्टी ने नीतू मनोज नरेला को मैदान में उतारा है। वहीं इनके सामने कांग्रेस ने नजमा बी इकराम को प्रत्याशी के रूप में वार्डवासियों के बीच भेजा है। भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी नीतू मनोज नरेला को पहली बार पार्टी से चुनाव लड़ने का मौका मिला है। इनके वार्ड में मजबूत पकड़ मानी जाती है। वहीं भाजपा के दिग्गज नेताओं का भी इन पर आशीर्वाद है। भाजपा को यहां से सीट निकालने के लिए मेहनत करनी होगी। नया चेहरा होने का फायदा यहां से नीतू नरेला को मिल सकता है। वहीं कांग्रेस की नजमा बी इकराम पहलवान भी नया चेहरा है। पार्टी ने इस बार नए नाम पर दांव लगाया है, इसलिए इन्हें इस वार्ड से कड़ी मशक्कत करना पड़ेगी। यहां इनको भी सीट निकालने के लिए संघर्ष करना होगा, लेकिन इस वार्ड से दोनों ही चेहरों के नए होने का कहीं ना कहीं इन्हें भी फायदा मिलता दिखाई दे रहा है। इनके समर्थन में पार्टी के वरिष्ठ नेता मैदान में उतर गए हैं। वे लगातार वार्ड वासियों से पक्ष में वोट करने की अपील कर रहे हैं और दोनों ही प्रत्याशी एक दूसरे को टक्कर देंगे। नीमच से महावीर सैनी की ये रिपोर्ट। तो ये था आप तक का अपडेट। लगातार हर छोटी से बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए वॉइस ऑफ एमपी के साथ। जय हिंद, जय भारत।